नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत केर लव फेत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दुनिया के हर इंसान के दिल में एक सपना छुपा होता है, उसे पूरा करने के लिए खुद का ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। आपके दिल में जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मनोरंजन के साथ और क्या करना चाहिए ये जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखिए, बोलना नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में आपने बचपन से बहुत कुछ सीखा होगा। बचपन में हमारे माता पिता हमारे गुरु थे। स्कूल में जाने के बाद हम टीचर को गुरु मानते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे गुरु अनेक होते हैं। हमने जीवन में आज तक कई शब्द सीखे होंगे। क्या आपको पता है न्यूज़पेपर का पूरा अर्थ? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। वैसे ही आपने चेस कई बार खेला होगा। इसका पूरा अर्थ कैमल हॉर्स एलिफेंट सोल्जर्स आपको पता था? चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, हे 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 ओ हो हो हो। फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो, हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया, बल चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, खिदमत तेरी काम से शायद वो इनाम से, कर ले उसी को सलाम आंखों से पैगाम दे, पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा, ऐसा मौका न जाए निकल, चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। आप सर्दी से कई बार परेशान हुए होंगे, लेकिन कोल्ड का अर्थ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या आपको पता था? दोस्तों, आपने जीवन में कई बार जोक एंजॉय किए होंगे, लेकिन जोक का अर्थ जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट क्या आपको पता था? आपने जीवन का एम निश्चित रूप से तय किया होगा, लेकिन एम का अर्थ एम्बिशन इन माइंड क्या आपको पता था? आज तक आपने कई बार डेट लिखी होगी, लेकिन उसका अर्थ कभी आपने जानने की कोशिश की थी? डेट का पूरा अर्थ है डे एंड टाइम इवोल्यूशन। आप रोज कुछ ना कुछ खाते होंगे, लेकिन उसका अर्थ एनर्जी एंड टेस्ट क्या आपको पता था? दोस्तों, आप रोज चाय पीते होंगे, है ना, लेकिन क्या आपको पता था टी का अर्थ टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड।
क्या आपको पता था? शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है ना? नहीं नहीं, ठीक तुम चार बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। सात फेरे मेरे संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तोबा मेरी तोबा, माफ कर देना। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। आपने आज तक पेन से कई एग्जाम दिए होंगे, लेकिन पेन का अर्थ पावर इंद्रिस्ट इन निब आपको पता था? आज तक आपने अनगिनत बार स्माइल किया होगा, लेकिन स्माइल का अर्थ स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन आपको पता था? आपने आपके मोबाइल से कई सिम कार्ड बदले होंगे, लेकिन उसका अर्थ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ये आपको पता था? दोस्तों, आपने आज तक कई लोगों को बाय किया होगा, जिसका अर्थ बी विथ यू एवरी टाइम, क्या आपको पता था? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे, जुम्मेरात को। हाँ हाँ, आधी रात को। कहा आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं, मैं आई हूँ छुपके छुपाके, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। उफ़ो, मेरी तो घड़ी बंद है, चलो बातें अब कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना भी आई अभी जल्दी। तेरी ये अदा मुझे पसंद है, तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। क्यों क्यों, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है, कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय, फिर कब मिलोगे? कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहा आता जाता नहीं। दोस्तों, दुनिया में धर्म अलग अलग है, लेकिन धर्म के जो शब्द है उनमें समानता है। TEMPLE
टेम्पल में 6 अक्षर है, MASJID मस्जिद में 6 अक्षर है, CHURCH चर्च में भी 6 अक्षर है, GEETA गीता में भी 5 अक्षर है, QURAN कुरान में 5 अक्षर है, BIBLE बाइबल में भी 5 अक्षर है, LIFE लाइफ में 4 अक्षर है, DEAD डेड में भी 4 अक्षर है, HATE हेट में 4 अक्षर है, LOVE लव में भी 4 अक्षर है। क्या ये सब आपको पता था? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। ओ नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दोस्तों NEGATIVE निगेटिव में 8 अक्षर है, POSITIVE पॉजिटिव में भी 8 अक्षर है, FAILURE फेलियर में 7 अक्षर है, SUCCESS में भी 7 अक्षर है, BELOW बिलो में 5 अक्षर है, ABOVE अबो में भी 5 अक्षर है, CRY क्राय में 3 अक्षर है, JOY जॉय में भी 3 अक्षर है, ANGER एंगर में 5 अक्षर है, HAPPY हैप्पी में भी 5 ही अक्षर है। क्या आपको ये सब पता था?
गले का रुई। दोस्तों R I G H T राइट में 5 अक्षर है, W R O N G रॉन्ग में भी 5 अक्षर है, R I C H रिच में 4 अक्षर है, P W O R पुअर में भी 4 अक्षर है, F A I L फेल में 4 अक्षर है, P A डबल S में भी पास में भी 4 अक्षर है। क्या आपको ये सब पता था? दोस्तों आपने देखा होगा कि विरोधी शब्दों में भी कितनी समानता है, तो फिर हम इंसान आपस में इतना भेदभाव क्यों रखते हैं? दुनिया में इंसानियत को बरकरार रखना है तो हमें हर दिल में प्यार की ज्योत जलानी पड़ेगी, तभी सबके दिल के सपने साकार हो सकते हैं। जिया हो जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला बाकी तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया हो जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। नजरों से जितने तीर चले वो चलने दो, जिगर पर झेलेंगे इन प्यार के उजली राहों पर, हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दोनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। वो जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। दोस्तों दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन लेकिन सफलता के विचार सबके अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग विचार कैसे होते हैं ये जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ए टू झेड 26 अक्षर है, ए को हम एक नंबर देंगे तो झेड को 26 नंबर आएगा, ऐसा क्रम याद रखिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग विचारों को कितने गुण मिलते हैं और इसी धुन में हर व्यक्ति पुकारता चला जाता है। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव हो जुल्फ की, बस एक निगाह हो प्यार की। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव हो जुल्फ की, बस एक निगाह हो प्यार की। पुकारता चला हूं मैं, ये दिल की ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव हो जुल्फ की, बस एक निगाह हो प्यार की। पुकारता चला हूं मैं, सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ए दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की,
बस एक छांव ज़ुल्फ़ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं। दोस्तों, पहला विचार है कठोर मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। तो देखिए हार्डवर्क को कितने गुण मिलते हैं। एच का नंबर है 8, ए का नंबर है 1, आर का नंबर है 18, डी का नंबर है 4, डब्ल्यू का नंबर है 23, ओ का नंबर है 15, आर का नंबर है 18, के का नंबर है 11। कुल मिलाकर हो गए 98%। दोस्तों, दूसरा गुण है नॉलेज होगा तो ही आप सुखी हो सकते हैं। तो इसके अनुसार के का नंबर है 11, एन का नंबर है 14, ओ का नंबर है 15, डब्ल्यू का नंबर है 23, एल का नंबर है 12, ई का नंबर है 5, डी का नंबर है 4, जी का नंबर है 7, ई का नंबर है 5। तो टोटल मिलाकर हो गए 96%। कुछ लोग कहते हैं कि नसीब होगा तो आप सफल होंगे। तो लकी यानी एल का नंबर है 12, यू का नंबर है 21, सी का नंबर है 3, के का नंबर है 11। कुल मिलाकर हो गए 47%। सिर्फ नसीब होने से सफलता कैसे मिलेगी? लेकिन कुछ लोग कहते हैं लोगों का मानना है कि सुखी होने के लिए पैसा यानी मनी चाहिए, MONEY, मनी। M का नंबर है 13, O का नंबर है 15, N का नंबर है 14, E का नंबर है 5, Y का नंबर है 25। कुल मिलाकर होते हैं 72%। दोस्तों, सिर्फ पैसा ही आपको सफल नहीं बना सकता। कई लोग ये समझते हैं कि यदि आपके पास नेतृत्व का गुण है तो आप सफल हो सकते हैं। नेतृत्व यानी लीडरशिप, LEADERSHIP। L का नंबर है 12, E का नंबर है 5, A का नंबर है 1, D का नंबर है 4, E का नंबर है 5, R का नंबर है 18, S का नंबर है 19, H का नंबर है 8,
आई का नंबर है 9, पी का नंबर है 16, कुल मिलाकर हो गए 97%। दोस्तों अब आप ही सोचिए कि लीडर भी खुश और सफल नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा गुण है जो इंसान को सुखी और सफल बना सकता है, खुश रख सकता है, जरा सोच के देखिए। जी हाँ दोस्तों, वो गुण है हमारा जिंदगी की तरफ देखने का दृष्टिकोण, जिसे कहते हैं एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड। ए का नंबर है 1, टी का नंबर है 20, टी का नंबर है 20, आई का नंबर है 9, टी का नंबर है 20, यू का नंबर है 21, डी का नंबर है 4, ई का नंबर है 5, इज इक्वल टू 100%। जीवन की सब समस्या को सुलझाकर खुश और मस्त रहने का सबसे सस्ता फंडा हमारी जिंदगी की तरफ देखने का दृष्टिकोण। यदि सकारात्मक है तो आप हर हाल में 100% सफल और खुश हो सकते हैं। दोस्तों दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, हर आदमी का दिमाग अलग अलग ढंग से सोचता है, हर व्यक्ति का मिजाज भिन्न प्रकार का होता है, मुसीबत में हर कोई रास्ता ढूंढ निकालता है। कल मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो सामने वाले सलून के दुकान पर एक स्लोगन लिखा था, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सिर का बोझ जरूर हल्का करते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया था, आपके दिमाग की बत्ती भले ही जले या न जले परंतु हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय के होटल वाले ने काउंटर पर लिखा था, मैं भले ही साधारण हूँ पर चाय स्पेशल बनाता हूँ। तो इसी बात पर सुनिए दिल को छू लेने वाली एक गजल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, ऐ चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। रास्ते से जाते जाते मैंने ये देखा कि एक रेस्टोरेंट ने सबसे अलग स्लोगन लिखा था, यहाँ पर घर जैसा खाना नहीं मिलता, आप निश्चिंत होकर पधारे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर एक स्लोगन पढ़ा तो मैं भी भाव विभोर हो गया, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहाँ से ले जाइए। गोलगप्पे के ठेले पर एक स्लोगन लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो ना हो, मुंह बड़ा रखो, पूरा खोलो। गोलगप्पे खाने के बाद एक प्रेमी अपने प्रेमिका से क्या कहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में, सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आगे की दुकान थी फल वाले की, फल भंडार वाले का स्लोगन देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, आप तो बस कर्म करिए, फल हम दे देंगे। और घड़ी वाले ने तो एक गजब का स्लोगन लिखा, भागते हुए समय को बस में रखे, चाहे दीवार पर टांगे चाहे हाथ पर बांधे। और ज्योतिष ने बोर्ड पर एकदम आकर्षक स्लोगन लिखा था, आइए मात्र 100 रुपये में अपनी जिंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। और बालों के तेल की कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर एक स्लोगन लिखा था, भगवान ही नहीं हम भी बाल बाल बचाते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, जो ये
आखे शर्म से झुक जाएंगी जोए, आखे शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना के इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, आप अभी जैसे हल्का सा मुस्कुरा रहे हो या हंस रहे हो, ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहा है। पहले जमाने में मनोरंजन सिर्फ रेडियो से होता था, उसके बाद टीवी आया, साथ में नाटक सिनेमा भी था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध है। पहले बड़ा पर्दा था, बाद में छोटा पर्दा आया, और अब तो घर बैठे OTT, नेटफ्लिक्स जैसे कई टीवी ऑप्शंस खुल गए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ सुंदरी के नाम बताता हूँ जिससे आपका मनोरंजन मुफ्त में हो जाएगा। एयर होस्टेस जो है हवाई सुंदरी, नर्स जो है दवाई सुंदरी, लेडी टीचर जो है पढ़ाई सुंदरी, मेड जो है सफाई सुंदरी, वाइफ जो है लड़ाई सुंदरी, और गर्लफ्रेंड जो है पराई सुंदरी। अजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हायर मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हायर मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दोस्तों, कुदरत का सबसे बड़ा सच ये है कि यदि आप फूलों पर सो रहे हैं तो ये आपकी पहली रात है, यदि फूल आप पर सो रहे हैं तो ये आपकी आखिरी रात है। इसलिए कहते हैं कि अजब तेरी दुनिया गजब तेरा खेल। कितनी अजीब बात है ना, मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। कैसी विडंबना है हमारे देश की। फूलन देवी डाकू होकर भी चुनाव जीत गई थी और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव हार गई थी। इसलिए कहते हैं किस्मत के खेल
निराले मेरे भैया। कितनी अजीब दुनिया है जहां औरतें दूसरी औरतों की शिकायतें करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकते। पुरुष सचमुच महान है। अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। दोस्तों, जीवन में पांच चीजें खत्म होने पर बहुत तकलीफ होती है, दोस्ती, पैसा, प्यार, इतवार और इंटरनेट पैक। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन आज कोई अकेले में बैठकर हंसता है तो कहते हैं मुझे भी सेंड कर दे। दोस्तों, अब भारत साफ सुथरा रहेगा क्योंकि अब पूरी निर्मा वॉशिंग पाउडर की टीम संसद में मौजूद है। हेमा, रेखा, जया, सुषमा सबकी पसंद निर्मा है ना, बढ़िया मनोरंजन। छुप गई सारी मसारी, क्या बात हो गई, छुप गई सारी मसारी, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। तेरे दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, तेरे दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे ओठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। दोस्तों, यदि आपको आपका जीवन
सुख शांति से जीना है तो मैं आज आपको कुछ अमूल्य बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, यदि आपने गलती की है तो कबूल कीजिए। दो, सामने वाला क्या कहता है ये ध्यान से सुनिए। तीन, अच्छे काम की तारीफ कीजिए। चार, धन्यवाद हमेशा दीजिए। पांच, बकरी जो मैं करे गले पे छुरी चलवाए, मैना जो मैं ना कहे वो सबके मन को भाए। छः, हर वक्त मुस्कुराते रहिए। सात, लोगों के अच्छे गुण पहचानो। आठ, किसी के व्यंग पर कभी मत हंसना। नौ, खुद की ताकत को पहचानो। दस, शिकायत और शिकवा में समय मत गवाना। ग्यारह, कर्म करने से पहले सोचना। बारह, असफलता का दोष दूसरों को मत देना। तेरह, क्रोध नियंत्रण में रखो। चौदह, दोस्ती दिल में कायम रखो। पंद्रह, हर वक्त सत्य का साथ देना। सोलह, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना। सत्रह, सोच कर बोलना। अठारह, सुख बांटना और दुख भूल जाना। दोस्तों, इसलिए साहिर लुधियानवी के बोल, अब दिल थाम कर बैठिए और पूरे ध्यान से सुनिए। मुझे दे दो, तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इन निगाहों में। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरान मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ, सबके साथ प्यार से रहो। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। किसी को तकलीफ नहीं देना। अपने रुबाब में किसी का नुकसान मत करना। परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना ऐसी बनाई है कि हम खुद को शाबाशी नहीं दे सकते और खुद को लात भी नहीं मार सकते। हमें हमारी जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ने चाहिए जो हमारा साया बन सके और सही समय पर आईना बन सके, क्योंकि साया कभी साथ नहीं छोड़ता और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए फैयाज हाशमी के बोल, अब दिल थाम कर बैठिए और ध्यान से सुनिए। आज जाने किसे तना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने
जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जान, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। दोस्तों, बात करने से पहले सुनना जरूरी है, खर्चा करने से पहले कमाना सीखना चाहिए, लिखने से पहले सोचना आवश्यक है, हार मानने से पहले कोशिश जारी रखनी चाहिए और मरने से पहले जीना सीखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा मृत्यु के बाद का कटु सत्य। दोस्तों, पत्नी दरवाजे तक आएगी, समाज शमशान तक आएगा, पुत्र अग्निदान तक आएगा, लेकिन आपका सिर्फ कर्म आपके साथ जाएगा। मानव के शरीर में 70% पानी है, लेकिन शरीर पर जब जख्म होती है तो खून आता है। मानव का हृदय खून से भरा हुआ है, लेकिन हृदय में जब दर्द होता है तब आंखों से पानी आता है। कितनी विचित्र बात है ना। इसलिए कवि शैलेंद्र ने कहा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दोस्तों, सबके दिल के सपने सुहाने होते हैं। दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते इतना इस दुनिया का नजारा विशाल है। 700 करोड़ से ज्यादा इस दुनिया की आबादी है। भारत की ही जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक मिनट को 50 बालक का जन्म होता है।
और दुनिया में हर मिनट में 250 बालक का जन्म होता है। अब आप ही बताइए कि ये सब बालक कहाँ से आते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इस दुनिया में 195 यानी 195 देश है। कोरोना का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण अब कम हो गया है, लेकिन पुराणों में ऐसी कथा है कि मृत्यु के बाद उसके कर्म के अनुसार वो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। कुछ कथाएं ऐसी भी कहती है कि उस व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो उस जीव को 2 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है और वो जीव बहुत पुण्यवान होगा तो वो जीव दिव्य शक्ति में, परमात्मा में एक रूप हो जाता है। लेकिन ये जो निर्णय होता है वो कहाँ से होता है और कौन करता है ये किसी को भी नहीं पता। जनसंख्या रोज बढ़ रही है, लेकिन ये सब आत्मा कहाँ से आते हैं? यदि आत्मा अति सूक्ष्म है तो फिर ये आत्मा ने कहाँ और कब और किसके यहाँ जन्म लेने का ये कौन डिसाइड करता है? मनुष्य शरीर अद्वितीय है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। बेशक इसका निर्माता परमात्मा ही है, क्योंकि चींटी से लेकर डायनासोर का निर्माता भी परमात्मा ही है। सबके शरीर की रचना और शरीर संचालन अलग अलग है। सबको भूख लगती है, सबको खाना कौन खिलाता है? खेती में जमीन से मिर्ची, गन्ना, संतरा, अनार, करेला, केला, नींबू, इमली, प्याज, आलू, नारियल, आम, कलिंगड़, अमरूद, पाइनएप्पल, ये सब अलग अलग स्वाद के फल कैसे उपजते हैं? गेहूं, चावल, अलग अलग सब्जियां हमें कौन देता है? मानव पृथ्वी पर है, लेकिन आकाश में अनेक पंछी तथा नदियों में और सागर में कई जलचर है। मानव को परमात्मा ने बुद्धि का वरदान दिया है जो सर्वश्रेष्ठ वरदान है, और इसी बुद्धि के कारण आज मानव पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी मानव हर धर्म में परमात्मा की विशालता को और दिव्यता को जानकर हर मंदिर में, चर्च में, गिरजाघरों में और मस्जिद में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को पता है कि परमात्मा दिखता नहीं, फिर भी कण कण में बसा है। दोस्तों, परमात्मा के ऐसे विराट रूप को देखकर सभी लोग परमात्मा की उस
दिव्य शक्ति की तारीफ करते हैं, दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और सबकी सलामती चाहते हैं। इसलिए ये दुनिया का अंत हो ही नहीं सकता। युगों युगों से नवग्रह उनका कार्य कोई भी गलती के बिना अखंड कर रहे हैं। जब कुदरत अपना कार्य सफलता से कर रहा है तो फिर ये नवग्रहों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमने आत्मविश्वास से हमारी मंजिल तय करने का फैसला करना चाहिए और श्रद्धा सबूरी से हम हर कदम आगे बढ़ाएंगे तो जीवन में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। ये मेरा आत्मविश्वास है। सच्चाई और ऐसी दिलचस्प बातें सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।